हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो दिल्ली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है, वो सारी सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। चले गए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बड़ी खुशखबरी है। आप सभी लोगों को हम बता दें कि प्रैक्टिस मॉक की तरफ से एसएससी एमटीएस 2022 एग्जाम के लिए जबरदस्त मॉक टेस्ट लाया गया है, जिसमें आप लोगों को एक मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा। अगर आपको मॉक टेस्ट जबरदस्त लगता है, जो कि आपको लगेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, मैंने खुद इसको देखा है, जबरदस्त मॉक टेस्ट है, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर, वो भी लेटेस्ट, तो आप लोग इसको जाकर पहले आप देखिए, एक जो फ्री मॉक टेस्ट है पहले आप उसको दीजिए। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालकर गेट स्टार्टेड पर क्लिक देना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्स के यहां पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको एसएससी एमटीएस का फ्री वाला मॉक टेस्ट लेना है तो आप यहां पर टेक टेस्ट कर सकते हैं, और भी मॉक टेस्ट लेना है तो आप इसको अनलॉक पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप इसको जरूर ले लें। सबसे पहले यहां पर जो एक अपडेट आई है वो एमपी से आई है कि 8720 पदों पर भर्ती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसको मैंने अपने मॉर्निंग अपडेट में शामिल क्यों किया है, क्योंकि इसमें अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यूपी के भी हैं या फिर आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं फुल नोटिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो मैं अपने परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल पर आज दूंगा। तो आप लोग परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल को अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर आप परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां पर हर एक वैकेंसी का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। जो भी वैकेंसी आती है उसको पूरे डिटेल्स में वहां बताया जाता है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चयन प्रक्रिया होती है, क्या क्या चीजें हैं। तो आज इस भर्ती के बारे में भी हम लोग उसी चैनल पर चर्चा करेंगे साथ ही साथ, और परीक्षा वीर पर सीटेट की क्लासेस भी शाम को 7 बजे चलनी है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में हम बात करें तो यह उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2023 है। उम्र सीमा 21 से 40 साल होनी चाहिए, कुछ लोगों को 45 साल भी है कुछ पदों के लिए। साथ ही साथ वेतन तो जबरदस्त है, 36,200 है। चयन प्रक्रिया में बताया गया कि इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा 2 अगस्त 2023 से प्रारंभ होगी। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान एवं अन्य विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 1 जून है और स्टार्ट होगा 18 मई से। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। बाकी इसकी जो पूरी वीडियो है, कब फॉर्म भरा जाएगा, कैसे करना है, कहां जमा करना है, इन सब चीजों के लिए आपको परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट है, देखो ये एक अपडेट है जो कल से वायरल हो रही है, 12,135 पदों पर एलटी ग्रेड की भर्ती। छात्र बहुत ज्यादा परेशान है, मैंने हालांकि कल शाम को मैंने वीडियो बनाकर इसके बारे में बताया भी था कि भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखो ये जो चीजें लिखी हैं बिल्कुल 100% सही है, लेकिन अभी कम से कम मान के चलिए 1 महीना तो कम से कम ये भर्ती नहीं आने वाली है। ठीक है, न्यूज तो बिल्कुल सही है लेकिन ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी है। और 12,135 पद खाली हैं, जिसमें से 7,006 जो है एलटी के पद और 5,129 जो है प्रवक्ता के पद खाली हैं, और ये भर्तियां होंगी लेकिन समकक्ष अर्हता को लेकर के अभी दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए थोड़ी सी ये है कि अभी इसमें 1 से 2 महीने का समय अभी इसमें और लग सकता है। तो नई एलटी ग्रेड की भर्ती आनी निश्चित है, इसके लिए टेंशन बीएड वाले छात्र न लें, आप लोग बस अपनी तैयारी करते रहें, नई भर्ती आएगी। बस जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली अपडेट है वो आपकी एसएससी की तरफ से 3 परीक्षाओं की डेट जो घोषित की गई है, इसमें से एसएससी के अगस्त से अक्टूबर तक 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराएगा। 2 से 22 अगस्त तक सीएचएसएल 2023 होगी। 1 से 29 सितंबर तक मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल और हवलदार 2023, और 3 से 6 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस व सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2023 की परीक्षा होगी। हालांकि ये जो यहाँ पर डेट है इसको 3-4 दिन पहले ही घोषित किया गया था, इसकी अपडेट आज भी आई थी, तो ये हम सोचे बताना आप लोगों को जरूरी है। तो सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी की है। 2019 में जो भर्ती आई थी, 4 साल से परिणाम के लिए जो है भटक रहे हैं यहाँ पर अभ्यर्थी, उसको लेकर के अपडेट है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरआरबी से कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है। अपडेट क्या है यहाँ देखिए लिखा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी भर्ती के लिए अभ्यर्थी 4 साल से भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों में आशीष, अनुज, सत्यम, शिवानी आदि ने शुक्रवार को आरआरबी इलाहाबाद से संपर्क किया तो उन्हें रिजल्ट से संबंधित कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती के लिए विज्ञापन 5 मार्च 2019 में जारी हुआ था, जिसमें लेवल 5 के तहत सीनियर कमर्शियल क्लर्क, ट्रेन मैनेजर, सीनियर टाइपिस्ट आदि पदों पर भर्ती होनी थी। आरआरबी इलाहाबाद ने केवल लेवल 6 की भर्ती पूरी की है और शेष पदों का परिणाम जारी नहीं किया, जिससे नियुक्ति फंसी हुई है। देश के अन्य बोर्डों चेन्नई, चंडीगढ़, मुंबई, गोरखपुर आदि की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन आरआरबी इलाहाबाद लेवल 5 के तहत सीनियर कमर्शियल क्लर्क, ट्रेन मैनेजर, सीनियर टाइपिस्ट की भर्ती पूरी नहीं कर पाया, जिसके कारण लेवल 3 व लेवल 2 की भर्ती फंसी हुई है। तो ये चीजें यहां पर हैं, जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा परेशान है इसको लेकर, क्योंकि ये भर्ती आजकल की नहीं है, 2019 की भर्ती है, 4 से 5 साल हो भी चुका है इसको। यहां पर क्या है कि हर परीक्षा नियमों व गाइडलाइन के अनुसार कराई जाती है, उन नियमों को ध्यान में रखा जाता है। हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यह स्टेटमेंट दिया है जो कि
वहाँ के CPRO हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है इसको लेकर के, लेकिन अभी भी इसका जो फाइनल जो है यहाँ पर परिणाम वो सब जारी नहीं हो रहा और ना ही प्रक्रिया कोई आगे बढ़ रही है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर CBSE के 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है बहुत ही टाइम से आ चुका है। पहले CBSE का बोर्ड का रिजल्ट टाइम से आता था, लेकिन अब यूपी बोर्ड का रिजल्ट टाइम से आ रहा है। तो ये बताया गया कि अगले सप्ताह जो है जारी हो सकता है CBSE के 10वीं और 12वीं का परिणाम। ठीक है, 3 वर्ष बाद 10वीं और 12वीं के टॉपरों की सूची भी जारी होने की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का परिणाम 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच 20 अप्रैल तक खत्म हो गई थी, वहीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी खत्म हो चुकी है। 29 अप्रैल को बोर्ड के पास सभी उत्तर पुस्तिकाओं को जमा कर दिया गया है। ऐसे में मई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। तो ये आप देख सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर बात करते हैं, जो अगली अपडेट है वो है PCSJEE की मुख्य परीक्षा में 2 दर्जन अभ्यर्थियों के जो यहाँ पर अभ्यर्थन है उसको निरस्त किया गया है और विज्ञापन की शर्तें पूरी न किए जाने पर कार्रवाई हुई है। 6 मई तक अपील का मौका भी है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2022 के आवेदन पत्रों की जांच के बाद विज्ञापन की शर्तें पूरा न करने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 24 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए हैं। हालांकि अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील का मौका भी दिया गया है। वो लोग अपील भी कर सकते हैं कि हमारा अभ्यर्थन क्यों निरस्त किया गया है। ठीक है, आपको अगर इसको पूरा पढ़ना है देख सकते हो, PCSJEE की मुख्य परीक्षा 23, 24 एवं 25 मई को प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों की संरक्षा के बाद जिनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया उनमें सर्वाधिक 13 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन पत्र अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2023 तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए। इनके अलावा 7 अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन इसलिए निरस्त किया गया क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी का दावा किया था, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन के साथ DFFF का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया। वहीं एक अभ्यर्थी ने PCSJEE मुख्य परीक्षा के स्थान पर सहायक अभियोजन अधिकारी APO परीक्षा 2022 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया। तो ये दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, इसलिए इन छात्रों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट है, इसको भी देखते हैं। PCS परीक्षा की उत्तर कुंजी 15 दिनों में जारी करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से PCS परीक्षा 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी 15 दिनों के भीतर जारी किए जाने की तैयारी है। आयोग की ओर से चयनितों की नियुक्ति की संस्तुति शासन को भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होते ही उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। हालांकि आयोग पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर देता था, लेकिन बाद में व्यवस्था बदल गई, उत्तर कुंजी अंतिम चयन परिणाम के बाद जारी होने लगी। कोर्ट में मामला जाने के बाद आयोग ने PCS परीक्षा 2015 से उत्तर कुंजी जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। शुरुआत के 3 वर्षों तक प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही उत्तर कुंजी जारी कर दी जाती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, इसको आप देख सकते हैं और ज़बरदस्त अपडेट है। चलिए तो ये रही फिलहाल आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी अपडेट तो मिलती है, साथ ही साथ सीटेट की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से शाम को 7 बजे कराई जाती है। तो अगर आपको सीटेट की तैयारी भी करनी है तो आप लोग जो है परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।